हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपसे खैर से होंगे, हम भी खैर से। यहाँ पे जो ना हिलाक्स गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ पे एक भाई है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? ठीक है, बस आपसे को दुआ है। तो यहाँ पे जो ना ऑलरेडी हम बाइक के अंदर ही में जाकर डायरेक्टली बात करेंगे। और देख रहे हैं ये गियर वाला गाड़ी, यहाँ पे भी गियर वाला गाड़ी जो ना थोड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत है। हाँ, इसमें गियर सिस्टम है, यानी गाड़ी चलने के बाद जो ना ऑटोमेटिकली ये बज रहा दुआ। मार ले? नहीं, आगे से चलिए, थोड़ा सा घूमते घूमते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई जान? ठीक है जी, आपसे दुआ है। नाम क्या हुआ? सुभान। सुभान भाई, कहाँ से हो आप? मैं तो देवरिया से। देवरिया से हैं, चलिए अच्छी बात है। कितना साल हो गया आपको यहाँ पे? हो गया 3-4 साल तो हो गया इधर। में तो ये गियर वाला गाड़ी जो चला रहे हैं, तो ये क्या, ये गियर ही वाला है ना? यहाँ पे तो अक्सर जो ऑटोमेटिक रहता है, लेकिन गियर वाला चला रहे हैं। हम तो अभी लेकर आएंगे, लेक्सस लेकर आएंगे। लेक्सस? हाँ, लेक्सस। हाँ, तो इससे पहले आया था क्या लेक्सस लेकर आप? ये बहुत बार इधर नहीं आया हूँ, पहली बार आया हूँ। ये यहाँ पे 3 इस्तरा और 2 इस्तरा और है इसके अलावा। आप ही का कपिल का है कि का? नहीं नहीं, मेरे कपिल। अभी अभी जो दावत है, इनवाइट है, वो किसका है? मालूम नहीं यार। एरिया कौन सा हो गया? एरिया कौन सा है ये? जी, ये तो मैं नया आया हूँ यार, एरिया कौन सा ये तो नहीं मालूम है, लेकिन रंबल बोलते हैं। रंबल बोलते हैं, रियाद रंबल बोलते हैं। तो कोई भाई, कितना साल हो गया आपको यहाँ पे? अरे यार, वीडियो बना के तुम उधर मत डालना। तो कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? हो गया 3-4 साल। 3-4 साल से। तो जैसे कि कोई भाई आना चाहते, तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो उसको कितना सैलरी होना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे कि आप ऑलरेडी ऑटोमेटिक चला रहे हो और लेक्सस भी चलाते, तो ऑटोमेटिक भी चलाते और गियर वाले भी, तो क्या गियर वाली और ऑटोमेटिक में डिफरेंट है? क्योंकि अपने यहाँ जो गियर ही वाले ज्यादा अक्सर चलते हैं। अपने यहाँ तो अक्सर गियर वाले। तो जब गियर वाली सीख कर आते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चलाने में कोई परेशानी है क्या? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा है ना? और अच्छा है। इधर के लिए तो ऑटोमेटिक ही चाहिए, ऑटोमेटिक ही चाहिए। क्योंकि रियाद में तो बहुत। कितना सैलरी होना चाहिए आपके हिसाब से? कुछ नए आदमी के, देखो भाई, नए आदमी के 1500 से 1600, इससे ऊपर नहीं कोई देता। देता नहीं? नहीं, इससे ऊपर कौन देता है? कोई नहीं देता। पुराना आदमी है तो 1800 1500, 2000 1900 1700 यही है। लेकिन आपको उधर मत डालना मेरे। तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे कोई भी भाई जो है ना, कि सबसे बेहतर काम कौन सा है? जैसे कि आप ऑलरेडी जो यहाँ पे जो है ना, ये सवा खास में है ना, आपकी कंपनी में है आप? नहीं नहीं, सवा खास, सवा खास में। तो आपके हिसाब से कौन सा काम ज्यादा बेहतर होगा? काम देखो कोई बुरा नहीं होता है मेरे भाई जी। हाँ, लेकिन एक दूसरे को लगता है ना कि जी इसका काम आसान है, उसका आसान है, लेकिन जिसका जो काम रहता है ना जी, वही समझता है। काम कोई आसान नहीं है, काम कोई आसान नहीं है। कोई भी काम यहाँ पे कर सकते हैं, ड्राइवरी भी ठीक है कंपनी में, वो भी ठीक है। तो ज्यादा अच्छा कौन सा रहेगा, कंपनी या ड्राइविंग होम? नहीं, ये टाइम बाय टाइम जो ड्यूटी है ना जी, वो सही है। टाइम बाय टाइम ये ड्राइवरी, ये हाउस में ना 24 घंटा 24 घंटा यार, यानी कब लग जाए नहीं लगे पता नहीं है। दिन भर सो रहे हो या दिन भर ड्यूटी करो, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। कभी कभी तो 2-2, 3-3 दिन ड्यूटी नहीं आता है, कभी आएगा तो 24 घंटा ड्यूटी रहेगा। परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाता है आदमी। तो सबसे अच्छा टाइमिंग ड्यूटी है यार, सबसे अच्छा कंपनी का अच्छा है। ठीक है भाई जान, मैं और भाई जो है ना यह मशगूल है, ये कहीं जा रहे थे, तो हमने भाई को जो है रोक लिया। और भाई ने आप सबके लिए जो है बहुत अच्छी मैसेज दिए हैं, और कोई जाने वाले हैं तो उसको आप सलाम दुआ करना चाहेंगे? आप खैर खैरियत से हैं, कैसे हो? तो एकदम सही है। हाँ, और हम सबके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि हम सब यहाँ पे जो है ना परदेश में है कि नहीं हम, और आप सबके लिए भी दुआ करते हैं कि आप सब भी खैरियत से रहो, और हम सबके लिए भी दुआ कीजिए, है कि नहीं? ओके, अल्लाह।